अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। टुडे वीडियो इज़ अ सेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर MCQs फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2019 पेपर ऑफ KMU। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन इज़ इस वीडियो में हम सब पूरी जो 70 MCQs है वो क्लियर कराएंगे और साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी कि आपने किस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपने लिए अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है इन द एग्ज़ाम्स। पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ अल्वियोलाई इज कॉल्ड डाइस्टोल, रेक्टी, पेल्विक प्रोलैप्स, एथिलेक्टेसिस एंड कार्डियोमिग्राफी। पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड एथिलेक्टेसिस। सो क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू एथिलेक्टेसिस, यानी कि एथिलेक्टेसिस होता किस वजह से है? ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज की वजह से, रिट्रीट सेक्रीशन इन लंग्स की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, पोस्ट ऑपरेटिव की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं एथिलेक्टेसिस जो है वो कॉज हो सकता है। एथिलेक्टेसिस हम एक्चुअली कहते हैं कि लंग्स की कोलैप्स कब होती है, कंप्लीट कोलैप्सिस कब, उसके अंदर का जो फ्लोइड है जो प्लूरल में वो रिलीज़ होता है, जब वो फ्लोइड या लुब्रिकेंट जो है वो रिलीज़ होना ख़त्म हो जाता है, सो इनकी कोलैप्स हो जाती है। अलाउ फॉर फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, सिस्टोल, डाइस्टोल, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। सो जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है उसे थोड़ा वक्त मिलता है फिलिंग के लिए, ब्लड से फिल होते हैं। सो डाइस्टोल जब कंट्रैक्शन होती है ऑफ द ऑरिकल्स तो वेंट्रिकल्स जो है वो फिल अप होना स्टार्ट होते हैं। हाई कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट हम किस तरह कर सकते हैं? सो दैट्स वेरी इजी। कार्डिक आउटपुट जो हम लेते हैं उसमें हम लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस जो हमारा पल्स होता है नॉर्मल वो हम लेते हैं। सो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, आंसर जो है हमारे पास नंबर बी वाला करेक्ट है। स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस द हार्ट रेट जो है ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट हम कैलकुलेट करके आ जाता है। द फोर्स अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स, वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ब्लड जो है विद इन द ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट में उसकी ओपोजिशन आती है। कार्डिक आउटपुट की वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से, पेरीफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से, नॉन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज सी, पेरीफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इंक्रीज हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट जो है इसे हम क्या कहते हैं? क्रोनोट्रोपिक, आयनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, स्ट्रोक वॉल्यूम। सो इंक्रीज हार्ट रेट इज कॉल्ड, इस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनोट्रोपिक। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर व्हेन एन इंडिविजुअल सडनली अज्यूम अ स्टैंडिंग पोजीशन, जब पोजीशन चेंज करने से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, मस्कुलर टिश्यू जो है हार्ट की उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल, हर एक कंट्रेक्शन पे जो ब्लड वॉल्यूम बाहर की तरफ इजेक्ट होता है, पुश हो, पंप होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस पल्स हार्ट रेट जो होता है इसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट इज कॉल्ड वेनस रिटर्न, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, नॉन। अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि रिटर्न होता है टू द हार्ट इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। सो वेनस रिटर्न जो है ये हमारे पास करेक्ट जो है वेनस रिटर्न है। व्हेन टेकिंग अ पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री द नर्स नीड टू नो टू सर्टेन इंफॉर्मेशन ट्राइंग टू शो एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट व्हाट नॉन वर्बल क्यूजेस इन द नर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग। जब एक नर्स जो है वो पेशेंट से हिस्ट्री ले रही होती है तो जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है उसके साथ साथ वो और क्या चीज़ें नोट करती है? सो उनके जो जेस्टर्स होते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं। फिजिकल अपेयरेंस तो वर्बल में आती है, जेस्चर्स जो है ये हमारे पास नॉन वर्बल में आती है, यानी कि उसका क्या वो कर रहा है, वो अपने नाखून खा रहा है या फिर उसे एंजाइटी हो रही है, कोई स्ट्रेस है किसी चीज़ का। सो वो जो है वो सारे नॉन वर्बल क्यूजेस हैं और उसे हमने खुद ऑब्जर्व करना होता है एक नर्स ने। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द गोल ऑफ अ क्लोज डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट जो है ये हमें गोल क्लोज डायरेक्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल है? अ फर्दर एक्सप्लेनेशन, क्लोज एक हमारे पास होते हैं ओपन टाइप क्वेश्चन, एक होते हैं क्लोज क्वेश्चंस होते हैं। ओपन टाइप क्वेश्चन यानी कि जिसमें हम उनसे डिटेल मांगते हैं, फर्दर डेप्थ में जाते हैं, जबकि क्लोज डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं येस और नो में हम आंसर देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, जिसमें हम कंसाइज येस और नो उनसे पूछते हैं, जैसे कि आपकी सर में दर्द हो रहा है, वो कहते हैं हाँ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोज क्वेश्चन। जब हम फर्दर कब हो रहा था, किस टाइम होता है, किस टाइम नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन टाइप क्वेश्चन।
हु शुड प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर व्हेन एसेसिंग. नर्स जो है वो हमेशा कल्चरली सेंसिटिव केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस जो है, क्या है असेसमेंट का जब हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं. सो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं. इंस्पेक्शन यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट. इसी के पहले सबसे फर्स्ट स्टेप पे इंस्पेक्शन आता है, यानी कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आईज. पाल्पेशन यानी कि जब हम टच करते हैं उससे फील करते हैं. परकशन यानी कि परकस करते हैं किसी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम परकशन करते हैं, हाथों से भी करते हैं. और फिर एस्कल्टेशन यानी कि थ्रू स्टेथोस्कोप हम जो फील करते हैं. करेक्ट सीक्वेंस जो है वो सी में है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो 15 का सी है. यू एज द नर्स ऑब्जर्व दैट अ पेशेंट इज इनकोहेरेंट एंड कन्फ्यूज. व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस? आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है. सो ये किस तरह का डेटा है? सब्जेक्टिव डेटा है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव डेटा है या प्रेजेंट? सो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटा. सो और सब्जेक्टिव डेटा हम उसे कहते हैं जो कि पेशेंट हमें बता रहा है, जबकि ऑब्जेक्टिव डेटा हम कहते हैं जो कि हम खुद ऑब्जर्व कर रही है, एक नर्स खुद ऑब्जर्व कर रही है. सो कन्फ्यूजन इनकोहेरेंसी जो है वो नर्स ऑब्जर्व कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा. You walk into your patient room and realize that they only speak Spanish. What action do you take? आप पेशेंट के रूम में गए और आपने देखा कि पेशेंट जो है वो स्पेनिश है और वो सिर्फ स्पेनिश ही समझे, तो आप क्या करेंगे? हैव द पेशेंट फैमिली आंसर हेल्थ हिस्ट्री. क्या फिर आप पेशेंट की फैमिली से उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, या फिर फाइंड करेंगे पेशेंट ट्रांसलेटर उसके लिए ढूंढेंगे, या फिर ट्राई एंड कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग योर स्पेनिश, या फिर स्पीक करेंगे लाउडली एंड स्लोली? सो हम जो है नंबर सी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ट्रांसलेटर मौजूद है. ज़रूरी नहीं कि उसके फैमिली वालों को पता हो कि उसे क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, और या फिर हम उसे लाउडली या स्लोली तो उसे स्पेनिश समझा नहीं सकते. और सी ऑप्शन समझने पता है कि हम उसे थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम यूज़ करेंगे, उसे इशारों में बातें करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे. A nurse assessed a client respiratory rate and found that it was below the normal. The nurse documented this finding. Nurse ने BP respiratory rate check की और देखा कि वो normal से कम है. So nurse ने क्या document किया कि ये tachypnea है, bradypnea है, या bradycardia या arrhythmia है. So bradypnea हम कहते हैं जब normal से कम होता है. Question number है normal respiratory rate 2019 जो है वो normal respiratory rate हमारा कितना होता है. तो सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, 12-20 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है. व्हाट आर द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन द बिलो गिवन ऑप्शन में? कौन सा जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है? रिटन एंड ओरल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, रिटन ओरल एंड बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, हैंड जेस्चर एंड पोस्चर. सो रिटन एंड ओरल जो है ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट, जितने भी हैं वो सारे पर्पस हैं हैंड वॉशिंग के एक्सेप्ट एक है. टू प्रमोट करें हैंड सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विद अ डर्ट हैंड. ईच ऑफ द अबव इन द पर्पस ऑफ हैंड वॉश. सो तीनों जो हैं वो हमारे पास पर्पसेस हैं हैंड वॉशिंग के. एक्टिंग एज अ पेशेंट एडवोकेट द नर्स शुड. यहाँ पे थोड़ा सा वो ब्लर है, ये पेपर मैंने काफ़ी मुश्किल से ढूंढा और यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर आ रहा है. सो क्वेश्चन में फिर भी पढ़ के बताते कि जब एक पेशेंट की एडवोकेट के तौर पे एक नर्स काम कर रही है तो वो क्या करती है? उसके फैमिली मेंबर को डिसीजन लेने देती है पेशेंट के लिए, या फिर पेशेंट को कोई डिसीजन लेने पर फोर्स करती है, या फिर पेशेंट शेयर करती है अपने ओपिनियंस को पेशेंट के साथ शेयर करती है, या फिर फोकस करती है कि पेशेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सके. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है जब नर्स एक एडवोकेट के तौर पे काम करती हैं. द आर्ट एंड साइंस विच अपॉर्चुनेट क्लाइंट फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्ड टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग. एक नर्स ही होती है जो कि फैमिली, पेशेंट, कम्युनिटी के लिए जो है वो उनकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं. यहाँ पर बिल्कुल भी ये सही नज़र नहीं आ रहा है कि द वेव लाइक rhythm and activation of an artery that resort from of the heart as a various point of body is termed as blood pressure, pulse
जो है 24 का है वो है पल्स है, यानी कि जब वो बीटिंग कर रहा हो आर्टरी जो होती है रिजल्ट में हम वहाँ पे प्रेशर जो है वो अराइज होता है जहाँ पे आर्टरी जो है वो बीट करती है वेरियस पॉइंट्स पे हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे हम पल्स जो है उसे फील कर सकते हैं। पल्स द रोल ऑफ नर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग: केयर गिवर, एजुकेटर, मैनेजर, कम्युनिकेटर, ऑल ऑफ द अबव। नर्स जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले करती है, तो वो केयर गिवर भी होती है, एजुकेटर भी होती है, मैनेजर भी होती है, कम्युनिकेटर भी होती है, और सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। रीस्ट्रेन आर द डिवाइस जो कि यूज होता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस के लिए: टू लिमिट करे फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, टू पनिश करे पेशेंट, टू इन्हेंस द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, टू ट्रीट द टू काम द पेशेंट। रीस्ट्रेन जो होते हैं या हाथों में डाले जाते हैं ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए जो कि जो हैं इधर उधर अगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो ताकि उन्हें कोई इंजरी से बचाने के लिए हम कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, जिससे हम उनकी फिजिकल एक्टिविटी को जो है कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सो ओनली द पल्मोनरी वीन जो है वो ऐसी वीन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज द अनकम्फर्टेबल और एम्बेरसिंग वन? कौन सा जो है ये रूट है जिसे हम टेम्परेचर भी होती है, सो रेक्टल जो है ये हम काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे सेवेयर केसेस होते हैं यहाँ पे बहुत कम हम लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि एक्सिलरी और ओरल जो है वो नॉर्मली हम कॉमनली लेते रहते हैं। अ नर्स इज शोइंग अ पेशेंट हाउ टू यूज क्रचर्स एंड वॉकर्स एट होम एंड इंस्ट्रक्टिंग हिम हिज मदर अबाउट हाउ टू चेंज हिज बैंडेज एट दैट टाइम। द नर्स इज प्राइमरीली एक्टिंग एज कम्युनिकेटर, मैनेजर, डिसीजन मेकर, टीचर। सो एक टीचर जो है वो ही नर्स अगर टीचर के तौर पर काम करती हैं, तो उसने एक पेशेंट की मदर को बताया कि इसे किस तरह क्रचर्स यानी कि या फिर वॉकर्स जो कि व्हील चेयर है या फिर और चीज़ें हैं जिसकी मदद से वो चल सकता है, और उसकी बैंडेज किस तरह चेंज करनी है। सो नर्स जो है ये टीचर का रोल प्ले कर रही हैं। टी है मिस तस्नीम, 30-year-old फीमेल, इज 5'2" टॉल एंड वेट 48 kg। अ नर्स, यू नो दैट शी इज़ ओवरवेट, अंडरवेट, नॉर्मल एंड ओबीस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अंडरवेट, लेकिन इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बीएमआई जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, बीएमआई जो है इसको फाइंड करेंगे। सो हम लेते हैं वेट को केजी में, डिवाइडेड बाय हाइट हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में। सो वेट जो है केजी में तो हमें दिया हुआ है 48 kg, लेकिन हाइट मीटर स्क्वायर में नहीं दी गई है, 5'2" दी गया है। तो हम इस फीट को, जैसे कि हमारे पास एक फीट जो होता है, एक फीट में हमारे पास होते हैं 12 inches, और 2 inches हमारे पास और हैं, तो 5 feet में हमारे पास 60 inches होते हैं, 5 feet में 60 inches, और 60 + 2 हम कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 62 inches। 62 inches हो गया। अब हमारे पास है 1 inch में, इसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंच को, सो 1 inch में हमारे पास होते हैं 2.54 centimeter। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 सेंटीमीटर से जो हमारे पास आंसर आएगा। सो फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और मीटर जो होता है बस सिंपली हम उसे जो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा उसे हम डिवाइड कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 62 इंचेस के साथ, जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 100, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा इसका बीएमआई और अंडर वेट। मिस्टर, जैसे अब मैं क्रॉस कर देती हूँ, हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर इरशाद इज़ अ 25-year-old मेल वेटिंग 102 pounds एंड हैज़ अ वेट हाइट ऑफ 5'5", व्हाट वुड बी हिज बीएमआई? सो 25-year-old है, तो वेट जो है इसका हमारे पास दूसरा फार्मूला है बीएमआई फाइंड करने का, वो है कि हम ले लेते हैं वेट को पाउंड्स में, डिवाइडेड बाय हाइट हम ले लेते हैं इंचेस में, मल्टीप्लाई करते हैं 703 के साथ। सो जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया वही अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। सो आंसर जो है वो आएगा 17। ओके, आंसर आ जाएगा 17। जीशान, अ 40-year-old मेल पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल विल बी कैलकुलेटेड एज। अगर एक पेशेंट है उसका हमने टेम्परेचर कर वो 103.2 डिग्री ऑफ फॉरन हाइट आ रहा है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 39.5 होगा।
जैसे कि हम कहते हैं कि 98 फॉरेनहाइट जो होता है वो हमारे पास सेंटीग्रेड पे इक्वल होता है 37 के। सो फॉरेनहाइट का जो स्केल होता है वो सेंटीग्रेड की एक के बराबर होता है, यानी कि फॉरेनहाइट के हम टू पॉइंट्स लेते हैं और सेंटीग्रेड का एक पॉइंट लेते हैं। सो सेंटीग्रेड में जब एक पॉइंट पड़ेगा तो फॉरेनहाइट में टू, तो 37 से 38 में हम दो ऐड कर लेंगे, एक ऐड करेंगे और 39, तो जब ये 39 होगा, सो 98 है तो 98 में हम एक ऐड कर लेंगे, ये 38 हो गया और 39, तो 98 में जब हम दो ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा और फिर दो ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा और साथ में हम 0.5 का वो लगा लेंगे। सो 39.5 और ये 2, तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज 39.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ थ्री फेजेस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव कि नर्सिंग डायग्नोसिस की जो थ्री फेजेस में उसमें हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों है, किस वजह से है और इसका एविडेंस हम यानी कि उसकी इटियोलॉजी साइंस सिम्टम्स जो हैं वो हम देखते हैं। व्हेन द क्लाइंट स्टेट दैट आई हैव सिवियर हेडेक एंड माय विजन इज़ ब्लरी, व्हाट टाइप एंड सोर्स ऑफ डेटा इज दिस। सो अगर क्लाइंट खुद बता रहा है कि उसे हेडेक है और उसकी विजन जो है वो ब्लरी हो रही है, ये प्राइमरी और सब्जेक्टिव डेटा है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर बी, प्राइमरी और सब्जेक्टिव डेटा। द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज प्राइमरी, इस वजह से कि सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स हमारे पास पेशेंट होता है, सेकेंडरी सोर्स जो हम रिपोर्ट्स या उसके फैमिली मेम्बर्स से पूछते हैं या फिर जो खुद ऑब्जर्व करते हैं, और सब्जेक्टिव जो पेशेंट खुद बताता है और ऑब्जेक्टिव जो कि हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज इज टर्म्ड एज इलनेस। हेल्थ जो है वो हो नहीं सकता, इन्फेक्शन जो है वो तो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, वेलनेस जो है वो हम अच्छी सेहत को कह सकते हैं। यहाँ पे है कि डिजीज़ के लिए पे जो हमारा रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स डिजीज़, तो उसे हम कहते हैं इलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, सिस्ट्रोल इज कॉल्ड द कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू माइक्रोब लिविंग इनसाइड अ होस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब रहता है, तो एक्यूट इन्फेक्शन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि क्रोनिक जो है वो सालों तक हो सकता है, 6 महीने से जो ज़्यादा होता है। नर्स कैटी ऑन द अदर हैंड नो दैट केस इमिजिएटली इवन बिफोर अ डायग्नोस इज डन, बेस्ड ऑन बैनर्स थ्यूरी शी इज एन नो वॉइस एक्सपर्ट कॉम्बे। एक नर्स है जिसने पेशेंट को देखकर ही डायग्नोस लगा लिया है, डायग्नोस करने से पहले ही उसे पता चल गया इस पेशेंट को क्या हुआ है, वो भी अगर हम बैनर के 5 जो स्टेजेस हैं नो वॉइस टू एक्सपर्ट तक, तो अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें इस नर्स का कौन सी स्टेज पे आती हैं। तो अगर इन्होंने बगैर डायग्नोस के पता लगा ली कि पेशेंट को क्या, सो ऑब्वियसली ये एक्सपर्ट होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन जो कि 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, सालों तक रहता है, सो उसे हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। एस्थमा, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस जो है ये क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, जबकि टाइफाइड जो है वो लिमिटेड है, एक्यूट है और ये जल्दी ठीक हो जाता है। न्यू बोर्न स्क्रीनिंग इज डन टू एवरी न्यू बोर्न इन द फिलिपाइंस, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। फिलिपाइंस में हर न्यू बोर्न जो होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, सो ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन है या रिहैब है, सो दिस इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। 40 इज वूंड्स विदाउट एन अंडरलाइंग डिफेक्ट एंड यूजुअली अकर सेकेंडरीली टू सर्जरी और ट्रॉमा इन अ हेल्थी इंडिविजुअल, हील क्विकली एंड कम्प्लीटली 4 to 6 वीक। यानी कि किसी सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से अगर कोई जो है डिफेक्ट आ गया है अंडरलाइंग टिश्यूज़ में, तो और वो क्विकली जो है वो हील हो सकता है आफ्टर 4 to 6 वीक्स के बाद, सो इसे हम कहते हैं एक्यूट वूंड। जो भी 6 मंथ से पहले हील हो सकते हैं उसे हम एक्यूट में वो जो है ऐड होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट वी आर नेसल प्रॉन्ग रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ लर्निंग। डिमॉन्स्ट्रेशन जब हम करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं नेजर प्रॉन्ग्स के जरिए से, तो हम किस टाइप की लर्निंग करते हैं, ऑडिटरी लर्निंग, काइनेस्थेटिक, विजुअल लर्निंग, ऑल ऑफ द, सो दिस इज कॉल्ड विजुअल लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफ्लेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटली व्हेन एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू डिले और हैविंग डिफिकल्टी इनिशिएटिंग वॉइडिंग। यानी कि इस टर्म को हम क्या कहेंगे, जब एक पर्सन है उसे डिफिकल्टी हो रही है वॉइडिंग में,
और वो डिली कर रहा है वॉर्निंग. सो दिस इज कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्शियल थिकनेस अल्सर. कौन सा स्टेज जो है वो कंसिडर किया जाता है पार्शियल थिकनेस अल्सर. स्टेज टू जो है वो पार्शियल थिकनेस अल्सर का स्टेज होता है. विच बॉडी पोजिशन साइमल्टेनियसली रिलीव करती है प्रेशर को फ्रॉम बोथ द सेक्रम एंड द ट्रोकेंटर. यानी कि हम चाहते हैं कि सेक्रम और ट्रोकेंटर पे प्रेशर ना पड़े. सो इसके लिए हम कौन सी पोजिशन पे पेशेंट को जो है प्रमोट करेंगे कि वो उस पोजिशन पे लेटे. सो पाइन पोजिशन, 30 डिग्री लैटरल पोजिशन या 90 डिग्री साइड लाइन पोजिशन. तो 90 डिग्री साइड लाइन पोजिशन जो है वो ऐसी पोजिशन से ट्रोकेंटर भी प्रेशर से बच रहेंगे और सेक्रम भी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. थर्ड डिग्री प्रेशर अल्सर आर कैटेगराइज. थर्ड डिग्री प्रेशर अल्सर जो है इसे हम कैटेगराइज करते हैं क्रोनिक वाउंड्स में. विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे दैट ट्राइज टू प्रिवेंट वेरियस डिजीज प्रोसेसेस. इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, हैंड वॉशिंग, डी ए बी सी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए बी सी. कौन से ऐसे मोस्ट इफेक्टिव वे से जिससे हम डिजीज़ प्रिवेंशन कर सकते हैं. तो इम्यूनाइजेशन भी इसमें आती है. अगर हम अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तब भी डिजीज़ से प्रिवेंशन होगी और हैंड वॉशिंग से भी. हाई ब्लड प्रेशर इज़ द मेन कॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कंजेस्टिव हार्ट. सो हाई ब्लड प्रेशर हम हाइपरटेंशन को कहते हैं. हाइपरटेंशन जो है इज़ द मेन कॉज है ऑफ हार्ट अटैक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. CHF जिसे हम कहते हैं. एबसेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन इज टर्म्ड एज. एबसेंस ऑफ रिस्पायरेशन जो इसे हम एपिनिया कहते हैं, यूपिनिया नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट को, डाइसपिनिया जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एंड ब्रेडिपिनिया जो है जब हम नॉर्मल जो 12 जो है उससे अगर उसकी साइकिल्स कम हो जाएंगे तब उसे हम ब्रेडिपिनिया कहते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग नर्स शुड वेट टू टेक टेम्परेचर ऑफ द क्लाइंट इफ ही और शी हैज़ टेकन कप ऑफ हॉट टी. अगर नर्स जो है वो वाइटल साइंस ये टेम्परेचर चेक कर रही है तो अगर किसी पेशेंट ने अभी अभी कॉफ़ी पी है या कप ऑफ हॉट टी पी है तो उसके लिए हम कितना टाइम वेट करेंगे उसका ओरल टेम्परेचर लेने के लिए. तो 5 to 10 minutes हमने वेट करना होगा. पुअर लाइटिंग इन अ हॉस्पिटल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़र्ड. पुअर लाइटिंग अगर होगी हॉस्पिटल में तो ये किस हैज़र्ड की एग्जाम्पल है. सो दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन हैज़र्ड, क्योंकि लाइटिंग जो है वो रेडिएशंस हैं. Which of the following is a complex process that involves identifying, assessing and averting risk in virtually every area, unit and ward of the hospital. हर जगह में कौन सी ऐसी रिस्क होते हैं, हर एक वार्ड में होते हैं जिसे हमने आइडेंटिफाई भी करना होता है, एसेस भी करना होता है, उसे सॉल्व भी करना होता है. सो इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट. हर वार्ड में हमने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है. फिर आता है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सर्फेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वियर सॉलिड मटीरियल इज नॉन एस. ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है जैसे कि अगर कोई आग लग रही है, हम कोई जो है स्टील का कुछ भी जो है आयरन का हम कुछ भी ले लें तो अगर हम आग पे पकड़ लें सो वो जो स्टील का या आयरन का जो मटीरियल होगा वो भी गर्म हो जाएगा कुछ देर के बाद. सो ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है इसे हम कहते हैं कंडक्शन. आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टिव एक्सरसाइज. आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है इसे हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज भी कहते हैं. द इफिशेंट कोऑर्डिनेटेड एंड सेफ यूज ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस मोशन एंड मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग एक्टिविटी इज नॉन एज. इसे हम कहते हैं बॉडी मैकेनिक्स. बॉडी मैकेनिक्स में हम अपने बॉडी का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखते हैं, एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो कि हमारे लिए सेफ हो. क्वेश्चन नंबर 46 इज हिप फ्लेक्सिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज. हिप फ्लेक्सिंग जो है किस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. वट टाइप ऑफ फीवर इज ऑब्जर्व इन अ पेशेंट ऑफ हैविंग मलेरिया. मलेरिया के पेशेंट में हम इंटरमिटेंट फीवर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. यानी कि कभी होता है बुखार और कभी नहीं होता है. यानी कि पहले जो है नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद कुछ घंटों बाद वापस से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, फीवर हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है. इस तरह इंटरमिटेंट होता है. अ पल्स रेट इज़ रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. पल्स रेट जो है रेगुलेटेड होती है बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द प्रोसीजर व्हेन अ ट्यूब इज पास फ्रॉम अ माउथ और नोज थ्रू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया टू री एस्टैब्लिश द ईयर वे इज नॉन एज. वो कौन सा प्रोसेस जिसमें हम ट्यूब पास करते हैं माउथ या नोज के जरिए से लैरिंग्स और ट्रैकिया में ताकि ईयर भी उसका री एस्टैब्लिश हो जाए, सही हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इंट्यूबेशन.
विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इज ऑब्जर्व इन अ पेशेंट डायग्नोस विद रिनल फेलियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. तो दिस इज इज कॉल्ड कॉस्मोस. इसे हम कहते हैं, इस ब्रीथिंग पैटर्न को हम कॉस्मोस कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट यूज व्हेन द ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर टू प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइनेस एंड टू लूजन द सिक्रेशन. सो हम जब भी ऑक्सीजन हम पेशेंट को देते हैं इन अ हॉस्पिटल, सो उसके साथ हमने ह्यूमिडिफायर लगा जिसमें हम वाटर डालते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन उसे दी जाती है वो मॉइस्ट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. कौन से जो है ये फंक्शन नहीं है रिस्पायरेटरी सिस्टम का. रेगुलेट करता है ब्लड पीएच को, रेगुलेट करता है, गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस जो है ये नहीं करता. कंटेन रिसेप्टर फॉर द सेंस में. तो क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस जो है वो नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वी प्लान टू डिस्चार्ज अ पेशेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल. हम कब प्लान करते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज करने का. आफ्टर द ट्रीटमेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अ पेशेंट में बी डिस्चार्ज एनी टाइम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑल द चार्जेस टू द हॉस्पिटल. पेशेंट को हम कभी भी हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मिस साइमा ऑलवेज फील दैट शी इज़ नॉट लाइक बाय द फ्रेंड एंड हर फैमिली मेम्बर एंड हैज़ नेवर बीन इंक्लूड इन ग्रुप एक्टिविटीज़ और सोशल इवेंट. शी हैज़ बिकम डिप्रेस एंड लोनली अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की विच कैटेगरी ऑफ नीड हैज़ नॉट बी फुलफिल्ड. मिस साइमा जो है वो एक ऐसी हैं जो कि मतलब समझती हैं कि उनके ना दोस्त उन्हें पसंद करते ना फैमिली मेम्बर उन्हें पसंद करते, इसी वजह से वो सोशली जो है बिल्कुल सोशल उनका कोई ग्रुप नहीं है और ना वो डिप्रेस और लोनली हो गई है. सो मैसो हायरार्की ऑफ नीड्स के मुताबिक जो 5 हमारे पास मैसो हायरार्की के स्टेप्स हैं उसमें उनकी कौन सी नीड जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई. सो लव एंड बिलोंगिंग नीड जो है उनकी फुलफ़िल नहीं हुई है. Preventing contamination by microorganism is known as. ये मैसो हायरार्की ऑफ नीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने वो सारे जो है वो याद करनी है, नंबर वाइज याद करना है. लव एंड बिलोंगिंग जो है, जैसे कि अब हमारे पास ये सेकेंड स्टेज पे आता है, थर्ड स्टेज है, सो इस तरह भी क्वेश्चंस आ सकती हैं. प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज. जब हम प्रिवेंट करते हैं कंटामिनेशन माइक्रो कंटामिनेशन से, जब हम प्रिवेंशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं ए सेप्सिस. इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉइडेड इज टर्म्ड एज पोली यूरिया. जो है हम इंक्रीज वॉइडिंग, जबकि ओलिको यूरिया जब जो है वॉल्यूम कम हो जाता है, डाइज यूरिया डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन और इन यूरिया जब कम्प्लीटली यूरिन होता ही नहीं है. मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्किल आर ऑल्सो नॉन एज. विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग. एफेक्टिव स्किल, कॉग्निटिव स्किल, साइकोमोटर स्किल. नॉन इफेक्ट मेंटल और जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं उसे हम साइकोमोटर स्किल्स भी कहते हैं. When care is given to the patient in all sphere including mental, social, physical, spiritual aspect, this indicate that as a professional nurse we believe on. जब हमारे पास मेंटल, सोशल और फिजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ऐसी प्रोफेशनल नर्स को हम क्या इंडिकेट करते हैं कि किस तरह की ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है प्रोफेशनल नर्स थी. व्हाट इज इज कॉल्ड व्हेन द हार्ट रेट डिक्रीज बाय लेस देन 60 बीट्स पर मिनट. क्या होता है जब हार्ट रेट जो है 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज ओपन एंड. जैसे कि मैं कहा कि ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिपिनिया, इसमें से कन्फ्यूजन ये होता है कि कार्डिया जहाँ भी आता है तो वो हार्ट से रिलेटेड यानी कि पल्स होगा, ओपिनिया जो है ये रिस्पायरेशन से रिलेटेड. कौन सा क्वेश्चन जो है ये हम कंसिडर करते हैं एज ओपन एंडेड क्वेश्चन. जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. क्लोज एंडेड जिसका हम येस और नो में आ जाते थे, जबकि ओपन एंडेड में हम डीप डिटेल जानते हैं. So, does your pain last through the night? Have you ever had heart surgery? Do you frequently get headache? How would you describe your pain? So, open-ended question जिसमें हम डिटेल मांगते हैं, तो क्या हम ये पूछेंगे कि आपका क्या रात को आपको पेन हो रहा था या नहीं, तो वो येस और नो में जवाब देंगे. सो ये क्लोज एंडेड है. क्या आपकी हार्ट सर्जरी हुई है या नहीं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. क्या आपको हेडेक होता है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. आप डिस्क्राइब करें अपना पेन, तो ये फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन कि वो आपका पेन डिस्क्राइब करें, कहाँ पे उतना पेन होता है, किस तरह का पेन होता है, कैसा पेन होता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी. और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा. अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के MCQs चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा.